लेसन फर्स्ट एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग का लेसन फर्स्ट जो है उसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या आंतरिक पुनर्निर्माण। जब किसी कंपनी की कैपिटल में कुछ परिवर्तन किया जाए या उसकी कैपिटल को बढ़ाया जाए, घटाया जाए या कंपनी की कैपिटल में होने वाले सारे परिवर्तन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। यानी जब कोई इंसान बीमार हो जाए तो उसका इलाज मान लो ऑपरेशन ही है, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे ही जब एक कंपनी लॉस में चली जाए, बंद होने की कंडीशन में आ जाए या कंपनी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि कंपनी रन नहीं हो पा रही है या कंपनी नहीं चलेगी अब या कंपनी डूब जाएगी या कंपनी बंद हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी की कैपिटल में कुछ करेक्शन करने के लिए किया जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक तरह से कंपनी की कुछ प्रॉब्लम्स को हटाना है और उसके उन प्रॉब्लम्स को हटा के कंपनी को रन करवाना है सक्सेसफुल। तो यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या आंतरिक पुनर्निर्माण जो किया जाता है, आंतरिक पुनर्निर्माण दो तरीके से किया जाता है, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर इस चैप्टर में अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो जब कंपनी लॉस में चली जाए ऐसे कुछ रीज़न है यहाँ पर, और ये एक लार्ज वर्ड है, बड़ा वर्ड है, यानी आंतरिक पुनर्निर्माण एक बड़ा काम है जबकि बाहरी पुनर्निर्माण शॉर्ट है। तो अपन इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने की 5 मेथड है, या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है, तो उसके कुछ रीज़न है, ये 5 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है लॉस रिटर्न ऑफ करना। अगर मान लो कंपनी के पास बहुत सारे लॉस हो गए, उन लॉस को रिटर्न ऑफ करना है और कंपनी को सक्सेसफुल रन कराना है, तो भी हानियों को अपलिखित करना या लॉस रिटर्न ऑफ करना। दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर को न्यू करना। मान लो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ओल्ड है और उसको न्यू करना है, तो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी आंतरिक या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन करना, यानी जो शेयर की फेस वैल्यू है उसमें अगर आपको कोई चेंज करना है तो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। पूंजी गियरिंग अनुपात सही नहीं होने पर, अगर कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है वो रॉन्ग चल रहा है कंपनी का या सही नहीं है, तो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और